जब तक आप इन अध्यात्म के रहस्यों को नहीं जानोगे आप ऐसे ही मूर्ख बनते रहोगे। बाहर की चीजों में ये भक्ति का नाम दे करके कि ये नौ भक्ति हैं कि परमात्मा के चरणों की वंदना करो, मूर्ति के लगा दिया कि सुनना भक्ति है, कथाएं सुना किया करो, सुबह लगते हैं सुनने रात हो जाती है, कुछ हासिल नहीं होता, उम्र निकल जाती है, कि दर्शन किया करो, भागते दौड़ते रहते हैं हम, जहां चित्र मिला वहीं लेट गए, जहां पहुंचे जहां मंदिर दिखा दंडवत हो गए, जहां लगा वहीं पूजा की, हासिल नहीं हुआ। कि परमात्मा को सखा भी मान लिया कि मित्र है, लेकिन मान लिया कि सखा है, लेकिन ना सखा अनुभव है, ना आसपास है, ना अंदर का अनुभव है, बस मान लिया एक मूर्ति रख के कि ये मेरा मित्र है, रिश्ता दे दिया, ये भ्रम है भाई, ये साधना नहीं है। अगर किसी के ये लगता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप अनुभव कर लेना, न मैं कहीं गया हूँ ना आप कहीं गए हो, अनुभव करो, आप हर चीज़ का अनुभव करो, बिना अनुभव के मेरी भी मत मानो, मेरी भी मत सुनो, लेकिन जब आप अनुभव करोगे तो दौड़ करके आओगे, भागे भागे नंगे पैर, आपको पता चलेगा साधना क्या ताकत है, आपको पता चलेगा सुमरण क्या होता है, आपको पता चलेगा अनुभव क्या है, आपको पता चलेगा कि अंदर में जो ताकत है, जो सार है, वो कैसे प्राप्त होता है। जो संत होते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता, ना बोलने से, ना अनुभव से, ना अनुभव कराने से कोई रोक सकता है। परेशान जरूर कर सकते हैं, प्रयास जरूर कर सकते हैं, हाथ पैर मार सकते हैं गलत दिशा में चलाने के लिए, जोर आजमाइश हो सकती है, लेकिन वो जिन्होंने पा लिया वो गर्दन तक दे करके भी हंसते हंसते निकल जाते हैं, उन्हें शिकायत नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि जाना है इस संसार से, ये देह त्याग कर देना है, वो चढ़ाई हो गई है, वो समय आ जाता है, क्योंकि जीते जी जो चले गए, जिन्होंने पा लिया इस शरीर के अंदर ही, उन्होंने समर्पण कर दिया, उनमें भेद नहीं रहता, एक तत्व हो जाते हैं, बीच के सारे भेद समाप्त हो जाते हैं, सारी की सारी वस्तुएं हट जाती हैं, और गुरु भी तभी तक रहता है जब तक आगे बढ़ करके एकाकार नहीं हो जाता। जब एकाकार हो जाए फिर किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती, आप स्वयं हो जाओगे, आपके अंदर वो तेज प्राप्त होगा, वो जो सुमरण शक्ति है, जो आपकी समझ शक्ति है, वो पीछे रह जाएगी, आप समझ और सोच से दूर चले जाओगे, क्योंकि वो साधना है, वो ताकत है जो आपके अंदर में है, आपके अंदर में जो परम तत्व विराजमान है, आप सबका अधिकार है गुरु बनने का, आप सबको वहाँ पहुँचने के लिए परमात्मा ने ताकत दी है, ऐसा नहीं कि केवल हमारे साथ ये घटनाएं हुई, जितने भी सिद्ध महात्मा हुए जिन्होंने जीवन मुक्ति प्राप्त की, सबके सब देवता इसी प्रकार से गए, सबकी सब यही घटनाएं हुई, कुछ समय पहले कुछ बाद में, कोई घटनाएं कब हो जाती हैं, घटनाएं और नाम और देवता बदली हो सकते हैं, लेकिन लगभग यही चीज़ें घटित होती हैं, और इसी प्रकार से खेल चलता है, ऐसे ही चढ़ाई होती है, बिना चढ़ाई के जीवन मुक्त जीव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन जब आप समझने लगोगे, समझने का प्रयास करने लगोगे, सेवा समझ में आने लगेगी जीवों की, फिर सेवा के बाद फिर सत्संग समझ में आने लगेगा, सत का संग समझ में आने लगेगा, और जब सत्संग समझ में आने लगेगा सुमरण होने लगेगा, जब सुमरण होने लगेगा फिर धीरे धीरे श्वासों के अंदर नाम की सुगंध जागने लगेगी, नाम की सुगंध जागेगी, फिर समाधि लग जाएगी,
ना चाहते हुए भी समाधि लग जाएगी। ध्यान कोई ऐसी घटना नहीं कि जबरदस्ती लगाया जा सके, पकड़ करके रखा जा सके। ध्यान वो घटना है जो अपने आप घटित हो जाती है, वो कभी भी घटित हो जाती है, आज भी घटित हो सकती है, 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। तो ध्यान वो घटना है जो अपने आप घटित होगी, लेकिन उसके लिए आपको पात्र बनना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम घूमते रहें, संसार में भटकते रहें, फंसे रहें इधर उधर, संसारिक वस्तुओं के अंदर, संसारिक पदार्थों के अंदर, विषय वासनाओं के अंदर, और सोचें ध्यान घट जाएगा। ध्यान घटना इतना आसान नहीं, उसके लिए भूमि तैयार करनी होगी, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा, मन के ऊपर काबू करना पड़ेगा, विचारों को ख़त्म करना पड़ेगा, सांसों को पकड़ में करना पड़ेगा, इंद्रियों को मजबूत करना पड़ेगा, अंदर में उतरना पड़ेगा, बाह्य चीज़ों से दूर जाना पड़ेगा। भ्रम और ब्रह्म में ज़्यादा भेद नहीं होता, लेकिन ब्रह्म को तोड़ करके फेंकना पड़ेगा। बाहरी वस्तुओं को ये समझना पड़ेगा, बाहरी वस्तुओं का अंदर से कोई तालमेल नहीं है, अंदर से कोई मेल मिलाप नहीं है। अंदर में जो जागृति है उसको समझना पड़ेगा कि अंदर की ताकत अलग है, बाहर की जो ये वस्तुएं हैं, ये चीज़ें, ये सब कुछ अलग है, ये हमारे काम की नहीं है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। सब के सब पदार्थ समाप्त हो जाएंगे, जिनके नाम है चाहे कोई भी हो, धरा के ऊपर आए हो, किसी भी रूप में आए हो, सब के सब समाप्त हो गए, मिट गए, खोजने के बाद भी नहीं मिलते, प्राप्त नहीं होते, ढूंढ ढूंढ करके थक गए। इन आँखों से वो प्राप्त नहीं हो सकता, साधना से प्राप्त हो सकता है। अगर आप इन आँखों से देख करके संतुष्ट हो गए कि हमें मिल गया परमात्मा, में ब्रह्म हो गया, बस दर्शन हो गए, ये आपका भ्रम है, मात्र भ्रम, इसको तोड़ करके आप ब्रह्म की तरफ बढ़ो, साधना की तरफ बढ़ो, ज्ञान की तरफ बढ़ो, परम तत्व की तरफ बढ़ो। लेकिन यहाँ तो आलसी इतने लोग हैं, मैं बोलता हूँ साधना करो, वो बोलते हैं जी आप ही कर दो। मैं बोलता हूँ कुछ भी हो, बैठा किया, बैठा करो, 2 घंटे कम से कम लगाओ, 1 घंटा 12 मिनट से शुरू करो, 2-3 घंटे तक साधना करो, 1 बार नहीं तो होती 2 बार करो, 3 बार करो, लेकिन साधना करो, सांसों के साथ करो। बोलते हैं जी हमारे से तो नहीं हो रहा, 4 दिन हो गए बैठते हुए, इनको 4 दिन में ब्रह्म चाहिए कि मन नहीं रुक रहा। मैंने कहा कहाँ जाता है कि पता नहीं, कि बच्चों में जाता होगा कि हाँ बच्चों में भी जाता है, कि क्या हुआ बैठते क्यों नहीं, कि जी बस 1-2 काम चल रहा है। मैंने कहा काम तो बाहर चल रहा होगा, साधना में भी क्या काम चला रहे हो, कम से कम बैठ करके 1 घंटा साधना करो, तब तो ये सारे काम बंद कर दिया करो कि संसार के काम है, दूर फेंको इनको, हम साधना कर रहे हैं तो सांसों के साथ हैं, साधना के साथ हैं, कम से कम इतना तो कर दिया करो कि जी ये आप कर दो। इतने आलसी लोग हैं। मैं बोलता हूँ नाम रटो, बाकी का काम जो ये कर्म आपके ऊपर प्रभाव कर रहा है। कुछ लोग सोचते हैं, मैं बोलता हूँ राम रटो, राम रटो, बार बार बोलता हूँ कि राम रटो। मैं 2 ही शब्दों का प्रयोग करता हूँ, एक साधना करो, एक राम रटो।